Himalayan brings to you something new. A dynamic combo of peace, adventure and serenity. Come to Camp Himalayan and experience nature's abundance. To book your dream holiday, call 9811-00399 or log into www.camphimalayan.com. Global School of Media Crafting, a new age media school where everything is possible. You can learn to be an RJ, yani ki radio jockey. या फिर आप कर सकते हैं कैमरे के साथ दोस्ती, टेलीविजन एंकरिंग सीखकर अपनी सोच को शब्दों में डालना तो हम सबको ही आता है, लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग एक ऐसी कला है जो आप सीख सकते हैं GSMC में. यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अनलिमिटेड. कम एंड एक्सपीरियंस अनलिमिटेड फन, फ्रीडम, क्रिएटिविटी एंड लर्निंग विद पॉपुलर टेलीविजन पर्सनैलिटी कनुप्रिया. ग्लोबल स्कूल ऑफ मीडिया क्राफ्टिंग, अ न्यू एज मीडिया स्कूल. भोजन को लेकर मन में कई सवाल. क्या ये पौष्टिक है? क्या ये स्वादिष्ट है? क्या ये हेल्दी है? परमात्मा की शक्ति लेकर अब अपने भोजन को बनाए सात्विक, पवित्र, पौष्टिक और हेल्दी हमारे साथ प्योर बाइट्स में. नमस्कार, सिंपली प्योर बाइट्स में आज फिर आप सबके साथ हैं. हमने ये तो जान लिया कि जैसी हमारी खुराक होगी वैसा ही हमारा जो तन है वो होता जाएगा. तो अगर सात्विक खुराक लेंगे, सात्विक भोजन होगा तो हमारा तन स्वस्थ हो जाएगा. कहते हैं कि मन की खुराक हमारे विचार और जो नॉलेज हम प्राप्त करते हैं वो होती है. इसीलिए हर धर्म भी भोजन के बारे में कहता है और मन के विचारों के बारे में कहता है. आज जानते हैं कि जैन धर्म में भोजन के बारे में क्या बातें बताई गई हैं. भोजन को लेकर हर धर्म में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं. सिंपली प्योर वाइट्स की इस सेगमेंट में आज हम जानेंगे कि जैन धर्म में खाने को लेकर क्या क्या धारणाएं हैं. जैन धर्म विश्व के सबसे पुराने धर्मों में से एक है. लोगों की सेवा करना और सादगी भरा जीवन बिताना इनका मूल उद्देश्य है. अहिंसा को साकार करता है जैन धर्म. उनके अनुसार सभी जीव जंतु सुख दुख अनुभव करते हैं और इसीलिए किसी को भी कष्ट देना उनके लिए पाप समान है. इसी से जुड़ा है उनके भोजन ग्रहण करने का महत्व. हमारे जैन धर्म में हम लोग दिन से खाना खाते हैं और हमारे जिमी कन जितने भी हैं उनका त्याग होता है. दिन से ही खाना बनाते हैं क्योंकि दिन में जो सूर्य की रोशनी होती है उसमें जीवाणु नहीं होते हैं, तो इसलिए हम लोग रात को खाना नहीं खाते हैं. और पानी भी हम छान के पीते हैं क्योंकि पानी भी शुद्ध पीना ही चाहिए. और एक हमारा मंत्र है, नमोकार मंत्र, महामंत्र है. तो जब भी हम खाना बनाते हैं तो अपने भावों को एकदम शुद्ध रखते हैं, मन को शांत रखते हैं, उससे ही हम शुद्ध खाना बनाते हैं. हमारे यहाँ भावों को बहुत महत्व दिया जाता है जैन धर्म में. अगर हम हमारे भाव अच्छे होंगे और हम अच्छे भाव से खाना बनाएंगे तो वो खाना भी हमारा अच्छा बनेगा. शुद्ध शाकाहारी भोजन को सम्मान देना और भोजन पकाते समय नमोकार मंत्र का उच्चारण जैन धर्म का एक खास पहलू है. जैन धर्म में नमोकार मंत्र का बहुत महत्व है. ये मंत्र प्राकृत भाषा में लिखा गया था, उसके बाद इसको संस्कृत में भी ट्रांसलेट किया गया है, जिसके अंदर जो संसार में श्रेष्ठ हैं, पांच श्रेष्ठ माने गए हैं जैन धर्म के अंदर. सबसे पहले अरिहंत, उसके बाद सिद्ध परमेष्ठी. सिद्ध परमेष्ठी वो होते हैं जिनका कोई आकार भी नहीं होता. साधु, साधु सभी हिंदू धर्म में हों या किसी भी धर्म में आप जाएंगे, इस्लाम में जाएं चाहे क्रिश्चियन में जाएं, वहाँ सभी जगह सेंट जो हैं वो साधु सभी. तो इसमें क्या है, तो को नमस्कार, इसका अर्थ ये है नमो सिद्धारम, सभी सिद्धों को नमस्कार. नमो आयरी आरम, सभी आड़ी कहते हैं, आयरी कहते हैं साधुओं को, सभी साधुओं को नमस्कार. नमो उपाध्यायम, सभी उपाध्याय जो कि शिक्षक होते हैं, गुरु होते हैं, उनको नमस्कार. जगत सर्व जगत में जितने भी साधु हैं सबको हमारा नमस्कार. ये पांच पद इस नमोकार मंत्र के अंदर हैं. अहिंसा परमो धर्म, ये जैन धर्म की नींव है. इसी कारण जैन धर्म में भोजन को लेकर इतने सारे नियम हैं. आइए लिए चलते हैं आपको फिर से
सिंपली प्योर बाइट्स की किचन में।